हाय डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू द हिंदी सेशन। बेटा, जैसे कि लास्ट वीडियोस में हमने अपने लेसन्स 1 और 2 कंप्लीट कर लिए हैं, जो हमारे फर्स्ट यूटी में आने हैं, और इस वीडियो में बेटा हम व्याकरण से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे? व्याकरण से, ग्रामर पोर्शन से। बेटा, इसमें सबसे पहले हमें व्याकरण में संज्ञा है और उसके भेद हैं, और उसके अलावा एक लेटर है और एक एसे है। ओके, इस वीडियो में जो आज हम भी कर रहे हैं, इसमें बेटा मैं आपको संज्ञा के बारे में बताऊंगी, ठीक है? आपका जो अपने ग्रामर की बुक है, उसमें संज्ञा का कोई भी लेसन नहीं है, ठीक है? उसमें आपका संज्ञा का कोई भी लेसन नहीं है, लेकिन आपको मैंने ये आपने अपनी नोटबुक में लिखना है और यहीं से याद करना है, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए बेटा, संज्ञा की परिभाषा और भेद लिखो। संज्ञा की परिभाषा और भेद लिखो। संज्ञा क्या होती है बड़े? इंग्लिश में आप लोग नाउंस करते हो ना, तो वही हिंदी में उसको हम संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी प्राणी, प्राणी मतलब हम लोग, जो हम हैं इंसान, या इसमें आपके एनिमल्स भी आएंगे बेटा, सारे जो भी धरती पे जीने वाली चीज़ें हैं, जो लिविंग बींग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उसमें ह्यूमन बींग्स भी आएंगे, एनिमल्स भी आएंगे, सब आएंगे। तो किसी प्राणी, वस्तु, चीज़, कोई भी चीज़, जैसे बेटा कुछ भी, टेबल, कुर्सी, कोई भी बिल्डिंग, कुछ भी ना, उनको वस्तु बोलते हैं। किताबें, ये सब वस्तु हैं। स्थान, स्थान जगह, जगह कुछ भी हो सकती है बेटा, जैसे पठानकोट, सुजानपुर, भारत, दिल्ली, कोई भी। या भाव, बेटा भाव जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, भाव जो हमारी फीलिंग्स होती हैं, के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक है? फिर से देखिए बेटा, संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स क्या है इसके बेटे? जैसे गुड़िया, ये चीज़ है ना, एक गुड़िया वस्तु हो गई। कोमल, आपकी एक फीलिंग हो गई कोमल, या नाम हो गया किसी बच्चे का या किसी का भी। और घर, घर स्थान हो गया, ठीक है? ठीक है, उसके बाद संज्ञा के भेद कितने होते हैं बेटा? संज्ञा के 3 भेद हैं। संज्ञा को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। बेटा किसी भी विशेष व्यक्ति, कोई भी विशेष व्यक्ति है जो, या किसी वस्तु या स्थान, विशेष मतलब इम्पॉर्टेंट, कोई भी जो इम्पॉर्टेंट, कोई भी प्राइम मिनिस्टर कह लो आप, या कोई भी देश का कोई महान आप नेता बोल लो, या कोई भी आप एक्टर कह लो, कोई भी। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, जैसे भारत, दिल्ली, सीता, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, ठीक है? ओके, उसके बाद आएगा दूसरा संज्ञा का भेद, जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी एक व्यक्ति को ना बताकर, जिसमें किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, बल्कि संपूर्ण, जैसे उसका नाम लेंगे तो हमें संपूर्ण जाति का बोध हो जाता है, पता मतलब लगता है कि संपूर्ण पूरों की पूरे की बात कर रहे हैं, ठीक है? जो शब्द किसी एक व्यक्ति को ना बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, मतलब उसको, जैसे हम उस चीज़ का नाम लेंगे तो हमें सबका ध्यान आ जाएगा, संपूर्ण पूरा। जैसे देश, देश बेटा एक देश तो कितने हो सकते हैं ना, अगर हम पर्टिकुलर भारत का नाम लेंगे, या जापान बोल दिया, या हम पाकिस्तान बोल लेंगे, या कुछ भी हम किसी भी देश का नाम ले रहे हैं, तो वो फिर व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। पर हम जैसे सिर्फ देश बोला है, तो देश में तो कितने भी देश आ सकते हैं, तो एक पूरी जाति का बोध करा रहा है ना वो, तो उसको जातिवाचक बोलेंगे। शहर भी तो कितने हैं बेटा, तो सब शहरों के लिए एक नाम जातिवाचक क्या हो गया? शहर। और क्रिकेटर, अगर हम एक प्लेयर का नाम ले रहे हैं तो वो ठीक है, व्यक्तिवाचक हो गया, पर क्रिकेटर मतलब क्रिकेटर कोई भी हो सकता है, तो क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता है, तो पूरी एक जाति का बोध करा दिया इस एक शब्द ने, ठीक है? तो समझ में आया, जो शब्द किसी एक व्यक्ति को ना बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, जैसे देश, शहर, क्रिकेटर। अब नेक्स्ट देखिए बेटा इसका भेद, थर्ड, भाववाचक संज्ञा। जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष का बोध कराते हों, जैसे मिठास, खुशी आदि। फिर से देखो बेटा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष का बोध कराते हो, बेटा जिस शब्द का नाम लेने से हमें कोई फीलिंग आती है,
कोई भी मीठी, कड़वी, दुखी, सुखी, कोई भी जो फीलिंग हमारे अंदर भाव आते हैं, तो बेटा उन शब्दों को हम भाववाचक संख्या शब्दों में आएंगे। वो जैसे मिठास, मिठास का नाम लिया तो मीठे का एहसास हुआ ना बेटा, एहसास फीलिंग हुई। खुशी, खुशी मतलब खुश होते हैं जब हम, एक फीलिंग है बेटा, ये कोई चीज़ नहीं है कि एक अंदर से एक हमारे भाव निकलता है। आधी बहुत हो सकता है, खुशी, दुख, सुख, ये सारा। ठीक है, तो फिर से देखिए बेटा, व्याकरण में सबसे पहला आपका है संख्या की परिभाषा और भेद, जो आपकी बुक में नहीं है तो मैम ने या कॉपी में लिखा है यहाँ पर आपको, भी आपने यहाँ से आप समझ रहे हो, फिर बाद में आपने इसका पीडीएफ मैं भेज दूंगी, और यहाँ से भी आप फोटो क्लिक करके बेटा आप लिख सकते हो, लेकिन आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ, तो आपने वहाँ से देख के अपनी कॉपीज में लिख लेना और याद कर लेना अपने फर्स्ट यूटी के लिए। ठीक है, संख्या की परिभाषा और भेद लिखो। संख्या किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संख्या कहते हैं, जैसे गुड़िया, कोमल, घर। ठीक है, संख्या के भेद होते हैं, तीन भेद हैं बेटा, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, जैसे भारत, दिल्ली, सीता। जातिवाचक संज्ञा, जो शब्द किसी एक व्यक्ति को नाम बताकर संपूर्ण जाति का बोध कराता हो, जैसे देश, शहर, क्रिकेटर। भाववाचक संज्ञा, जो शब्द किसी भाव, गुण, दोष का बोध कराते हो, जैसे मिठास, खुशी आदि। तो ठीक है बेटा, ये वीडियो आपका यहीं पर ख़त्म होता है, ये वाला हिंदी सेशन। तो आपने इस सेशन के बाद ये सारा काम अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, और साथ साथ में इसको लिख कर प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है बेटा, टिल देन टेक केयर, बी सेफ, बाय।